अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन सनास किचन। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट फज ब्राउनी साथ वनीला आइसक्रीम। बहुत ही ज़बरदस्त और डेडली सा कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आइसक्रीम को, जिसके लिए मैंने लिया है व्हीपिंग क्रीम 1 कप, यानी 250 ml। क्रीम को मैंने थॉ कर लिया, उसके बाद मैं इसको बीटर से इतना बीट करूँगी कि ये रनी फॉर्म में हो, इसके सॉफ्ट पीक्स नहीं, इसको स्टिफ पीक्स के साथ नहीं बीट करना है। बहुत ज़्यादा बीट करने से आइसक्रीम आपकी अच्छी नहीं बनेगी, इसके सॉफ्ट पीक्स रहेंगे, रनी होगी, तभी आइसक्रीम ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छी बनेगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क 1/4 कप, और फ्लेवर के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी सिर्फ 1 to 2 drops के करीब। इस आइसक्रीम की बहुत अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 2 ingredients क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ बनेगी, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा उस वक्त जब आप किसी अच्छे ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बीट आपने नहीं करना है, सिर्फ इतना कि कंडेंस मिल्क और क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको स्पैचुलर की मदद से मिक्स करके किसी एयर टाइट कंटेनर में मैं डालूँगी, डालकर इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज होने के लिए छोड़ दूँगी। आइसक्रीम को मैंने कंटेनर में डाली है और ओवरनाइट फ्रीज के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। साथ ही दूसरी तरफ मैं तैयार कर लेती हूँ चॉकलेट फज ब्राउनी, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउनी है। सबसे पहले मैंने बेकिंग ट्रे को तैयार कर लिया है बटर पेपर और बटर लगा के। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट 75 ग्राम, बटर डाल रही हूँ 75 ग्राम। दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं माइक्रोवेव में से 40 to 50 seconds के लिए गर्म कर लूँगी, इतना कि दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएँ। किसी फोक स्पैचुलर या चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। जब दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर 20 ग्राम। कोको पाउडर किसी अच्छे ब्रांड या क्वालिटी का होना चाहिए तो ब्राउनी आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी, नहीं तो ऐसा होता है अमूमन कि अगर आपका कोको पाउडर अच्छा नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर या स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा, जिसकी वजह से आपका पूरा केक, ब्राउनी या जिस चीज़ में आप कोको पाउडर इस्तेमाल करें वो उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। इनको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी 1/2 कप, यानी 100 ग्राम के करीब। मैं यहाँ पर नॉर्मल शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आइसिंग शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी हैंड मिक्स के साथ, इसको बीटर या चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 medium size के अंडे। अंडे भी मेरे पास रूम टेम्परेचर पे फ्रिज का रखा हुआ है, सामान मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद के कोको पाउडर, चॉकलेट, बटर और अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। साथ में मैं इसमें डालूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मेरे पास है सबसे पहले मैदा मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के करीब। किसी छलनी की मदद से मैं इसमें मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो। साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1/2 teaspoon के करीब, और अगर आप चाहें तो पिंच ऑफ सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चॉकलेट ब्राउनी में सॉल्ट अच्छा फ्लेवर देते हैं और आइसक्रीम के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। स्पैचुलर या स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इतना कि बैटर और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बेकिंग के लिए तैयार हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे प्रीपेड ट्रे में मैंने डाल दिया और बेक होने के लिए ओवन में, प्रीहीटेड ओवन में 18 से 20 मिनट के लिए 165 डिग्री पर इसे बेक करूंगी। बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगेगा, अगर ब्राउनी ओवर बेक हो जाए तो भी इसमें से स्मेल आएगी, और अगर कच्ची रह जाए तो भी ये अच्छा टेस्ट नहीं देगी। बहुत ज़बरदस्त सी ब्राउनी बेक होकर आ गई है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कच्ची नहीं है, कुछ भी इसकी बिल्कुल साफ़ आई है। इसे कट करके मैं आइसक्रीम के साथ सर्व करती हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त सी फज ब्राउनी बनी है। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और शानदार सी बनी है। आइसक्रीम भी तैयार हो गई है, मैं इसे निकाल के दिखा देती हूँ। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज की है। आइसक्रीम के लिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपने जब इसे सर्व करना हो तो इसे सर्व करने से 5 मिनट पहले इसको निकाल के रखें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और निकलना आसान हो। यहाँ पर मुझे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैंने इसको अभी ही फ्रीज़र से निकाला था। दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा कॉम्बिनेशन है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।